नमस्कार दोस्तों, माही डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में इस एलएनबी की कैप धूप की वजह से टूट गई है तो दूसरी कैप किस तरह लगाएंगे वो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। एलएनबी की कैप टूट जाती है तो भमरी खुद अपना घर इस एलएनबी में बना देती है, इसीलिए सेटअप बॉक्स में नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ चैनल चल रही है और कुछ चैनल पर नो सिग्नल आ रहा है। और बारिश के मौसम में इस एलएनबी के बीच में पानी चला जाता है तो नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है या फिर एलएनबी भी हमारा ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम कैप लगाएंगे। दोस्तों ये एलईडी बल्ब है, इस एलईडी बल्ब ख़राब हो चुका है, इसलिए इस एलईडी बल्ब की कैप है वो हम निकाल देंगे, फिर इस एलएनबी में हम लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें इस एलईडी बल्ब कैप की निकाल देनी है। तो दोस्तों देखो यहाँ आपको ऐसा ही दिखाई दे सकता है, इस कैप को हम एलएनबी में लगाने वाले हैं। दोस्तों ये डिश टीवी का ओरिजिनल एलएनबी है, इस एलएनबी में लगाकर बताएंगे। तो इस कैप को हमें इसी तरह लगाना है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो दोस्तों देखो मैंने लगा दिया है, दूसरा एलएनबी में लगाकर बता रहा हूँ। दोस्तों ये शार्प का एलएनबी है, इस एलएनबी में भी इस कैप अच्छी तरह से फिट हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एयरटेल डिजिटल का एलएनबी है, इस एलएनबी में भी लगाकर बताऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह हमें इस कैप को इस एलएनबी में लगा देना है और फिट भी अच्छी तरह से हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हम बारिश के मौसम में एलएनबी को बचा सकते हैं। हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।